हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल चौधरी, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, अपन राजस्थान में भौतिक प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक जानकारी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। प्रिय मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अलग से राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें एक अलग से टॉपिक मेंशन किया जाता है और उस टॉपिक का नाम होता है मरुस्थलीकरण। उस टॉपिक का नाम क्या होता है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या है, उसके क्या का कौन कौन से कारण है, उसके कौन कौन से प्रभाव हैं, उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। और यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर होता है उसमें अलग से ये मेंशन करा होता है, अलग से ये टॉपिक मेंशन करा होता है, लेकिन ये टॉपिक यदि अपन ब्रॉड रूप में देखें तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, तो मरुस्थल से ही क्या है? मरुस्थलीकरण। उसके मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण है, उसके क्या क्या प्रभाव है, रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कार्यक्रम में आपने सुना होगा कभी डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने जिलों में चलाए जाए या कौन से पंचवर्षीय योजना में चलाए गए या केंद्र और राज्य सरकार का इसमें रेशो क्या है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोकने के लिए कौन कौन से संस्थाएं, तो काजरी और आफरी, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, काजरी और आफरी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। और एक यूएनसीसीडी इंटरनेशनल लेवल पर संस्था है, तो इन सबके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज अपन इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक मरुस्थलीकरण की ओर। देखिए, सबसे पहले मरुस्थल को देख लेते हैं। मरुस्थल देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो मरुस्थल वर्ड को सबसे पहले या मरुस्थल की सबसे पहले परिभाषा दी थी अबूर बिले ने। एक ज्योग्राफर थे अबूर बिले, उन्होंने सबसे पहले मरुस्थल की परिभाषा दी थी। और कब दी थी? 1949 में मरुस्थल को सबसे पहले उन्होंने परिभाषित किया था। अब देखिए, मरुस्थल की परिभाषा में कि मरुस्थल किसे कहा जाता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां निम्न विशेषताएं पाई जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां निम्न विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं होगी देख लेते हैं। न्यूनतम वर्षा होगी, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होगा, उच्च दैनिक तापांतर होगा, कंटीली झाड़ियां होगी, वनस्पति बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, कंटीली झाड़ियां होगी, यह ऐसे बोलते हैं जीरोफाइट वनस्पति होगी, जीरोफाइट यानी मरुद्भिद वनस्पति होगी या कंटीली झाड़ियां होगी। साथ ही साथ रेतीली बलुई मिट्टी होगी। और जहां कृषि की न्यूनतम संभावना हो, कृषि की जो संभावना हो वो न्यूनतम हो, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि मरुस्थल की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं होती या निम्न में से कौन सी मरुस्थल की विशेषताएं होती है, तो इसको वापस एक बार रिवाइज के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि इस मरुस्थल वर्ड को सबसे पहले परिभाषित किया था अबूर बिले ने 1949 में। और उन्होंने बताया कि मरुस्थल एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, जहां वर्षा न्यूनतम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है,
और जब वर्षा न्यूनतम होगी तो वहां लोग भी कम होंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होगा। जब वर्षा कम होगी तो वहां पर वनस्पति भी अच्छी खासी नहीं होगी, कंटीली जाड़ियां होगी, कांटेदार जाड़ियां होगी और कृषि की संभावना भी वहां पर कम होगी और वहां पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाएगी और मिट्टी होने के कारण रेतीली मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती, जल्दी ठंडी हो जाएगी तो उच्च दैनिक तापांतर होगा और ये सभी विशेषताएं जिस क्षेत्र में पाई जाती उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम भाग में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या बताओ, थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल दो देशों में, कौन से, महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप के कितने देशों में, दो देशों में, भारत और पाकिस्तान। एशिया महाद्वीप के दो देशों में, भारत और पाकिस्तान में। देखिए इस थार के मरुस्थल का 85% भारत में है और 15% कहां है बताओ, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो 15% है उस पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को बोलते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है उसे क्या बोलते हैं बताओ, हम बोलते हैं रेगिस्तान। जैसे हम बोलते हैं रेगिस्तान और वहां पर बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। और भारत के कितने राज्यों में है, तो ये थार का मरुस्थल भारत के चार राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में, चार राज्यों में है। राजस्थान, राजस्थान के जस्ट नीचे है गुजरात। राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा है, गुजरात। और राजस्थान के ऊपर है पंजाब और हरियाणा। राजस्थान के ऊपर कौन सा है, पंजाब और हरियाणा। तो राजस्थान के नीचे कौन सा, गुजरात, और राजस्थान के ऊपर पंजाब और हरियाणा। तो थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में है, तो भारत के चार राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में, चार राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। और सर्वाधिक किस में है, तो राजस्थान में। संपूर्ण भारत में जितना भी मरुस्थलीकरण है उसका 67% कहां है बताओ, राजस्थान में है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड का कि सैटेलाइट के द्वारा लिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में, मान लीजिए भारत में 100% मरुस्थलीकरण है तो 100 का 67% का है राजस्थान में, बाकी अन्य गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने परसेंट पर मरुस्थलीकरण है, तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 61% पर मरुस्थलीकरण है। भारत के टोटल मरुस्थलीकरण का राजस्थान में कितना है, तो भारत के टोटल मरुस्थलीकरण का राजस्थान में कितना है, 67% है। ये दो अलग अलग आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो भारत के कितने राज्यों में थार का मरुस्थल फैला है, चार राज्यों में। अब देखिए थार के मरुस्थल की कुछ बेसिक विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। ये जो थार का मरुस्थल है यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीव जंतु और वनस्पति की विविधता। वैसे मरुस्थल में जीव जंतु और वनस्पति की न्यूनतम मात्रा होती है, लेकिन जितने भी मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। दूसरा, यदि क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, विश्व में जितने भी मरुस्थल है उनमें क्षेत्रफल के अनुसार ये कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यह क्षेत्रफल में, यानी 16 मरुस्थल इससे क्षेत्रफल में बड़े हैं। जैसे विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा का मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सारा का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो 17वां रखता है। कौन सा रखता है, यानी इससे 16 मरुस्थल बड़े हैं। तो थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान रखता है, 17वां। जैसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन में है। इसी प्रकार विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा का मरुस्थल है। कौन सा, अटाकामा का मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछे अन्य और भी अपन कहें तो मरुस्थल है, जैसे आपसे मोजेव का मरुस्थल कौन सा बताओ, मोजेव का मरुस्थल। इसी प्रकार सोनेरन का मरुस्थल, मोजेव का मरुस्थल और सोनेरन का मरुस्थल, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, मैक्सिको और अमेरिका में पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि बात करें नूबीब का मरुस्थल, नामीबियन मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसी प्रकार तकला मकान मरुस्थल ये चीन में है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। इसी प्रकार हमने देखा गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, दस्ते लूत और दस्ते काविर ईरान में है, काइजिलोम और काराकुम मध्य एशिया के, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। इसी प्रकार यदि बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल है
ठीक है, ये कहां बताओ, ऑस्ट्रेलिया में है, कहां बताओ, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो हमने विभिन्न प्रकार के मुस्तुल के बारे में देखा, लेकिन यहां ध्यान रखें थार का मुस्तुल जो पढ़ रहे हैं ये क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बताओ, सत्रहवां सबसे बड़ा मुस्तुल है। ठीक है, और सर्वाधिक जैविकता वाला मुस्तुल कौन सा है, तो आंसर होगा थार का मुस्तुल। कौन सा मुस्तुल, थार का मुस्तुल। और आपको बता दें ये जो थार का मुस्तुल है इसकी जीवन रेखा कौन सी कहलाती है, तो आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नेहरू परियोजना को थार के मुस्तुल की जीवन रेखा कहा जाता है। तो मुस्तुल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, आईजीएनपी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आईजीएनपी को। तो ये थार के मुस्तुल की कुछ बेसिक विशेषताएं थी। और आपको बता दें ये थार का मुस्तुल अफ्रीका के ग्रेट पैलियोआर्कटिक मुस्तुल का भाग है, अफ्रीका के ग्रेट पैलियोआर्कटिक मुस्तुल का भाग है। तो आपसे पूछा जाता है ये जो थार का मुस्तुल है ये अफ्रीका के ग्रेट पैलियोआर्कटिक मुस्तुल का ही भाग है, उससे आपको पता कालांतर में टूट के अलग हुआ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थार के मुस्तुल के बारे में देखा, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम भाग में थार का मुस्तुल है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थार के मुस्तुल का ढाल किस दिशा में। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, पशु चिकित्सा अधिकारी वेटरनरी ऑफिसर, उसमें यह पूछा गया था कि थार के मुस्तुल का ढाल किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, या आपसे पूछा पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर। तो यह आपको बताना है कि थार के मुस्तुल का ढाल किस दिशा में है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम भाग में मुस्तुल है, उसका ढाल किस दिशा में है। तो यह आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यह तो होगी बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं कि मुस्तुल, मुस्तुल तीन प्रकार के होते हैं। यदि आप बात करें तो मुस्तुल कितने प्रकार के होते हैं, मुस्तुल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताओ, तीन प्रकार के। एक होता आपका ईर्घ, कौन सा बताओ, ईर्घ। एक होता आपका हम्माद, कौन सा बताओ, हम्माद। और एक होता आपका रेघ, कौन सा बताओ, रेघ। ईर्घ, हम्माद और रेघ, मुस्तुल तीन प्रकार के होते हैं। देखिए जो पूर्णतः रेतीला मुस्तुल होता है, पूर्णतः रेतीला मुस्तुल होता है, जहां चारों ओर बालू मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो पूर्णतः रेतीला, पूर्णतः रेतीला जो मुस्तुल होता है, पूर्णतः रेतीला जो मुस्तुल होता है उसे क्या कहा जाता है बताओ, ईर्घ कहा जाता है। और यदि आपसे पूर्णतः पथरीला, पथरीला मुस्तुल होगा, चट्टानी मुस्तुल होगा, पूर्णतः पथरीला मुस्तुल होगा, पूर्णतः पथरीला मुस्तुल होगा, उसे हम्माद कहा जाता है। और दोनों का मिश्रित होगा, मिश्रित मुस्तुल यानी रेतीला भी होगा और पथरीला भी होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, रेघ कहा जाता है। मिश्रित रेतीला भी होगा और कैसा होगा बताओ, पथरीला भी होगा, उसे क्या कहा जाता है बताओ, रेघ कहा जाता है। तो मुस्तुल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में मुस्तुल है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है, मुस्तुल है। तो यहां से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है कि राजस्थान के, ये आपका पश्चिमी भाग है, तो इस भाग में मुस्तुल है इसलिए इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिम भाग में मुस्तुल होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से हैं, मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण कि राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल क्यों है, उसका क्या कारण है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मरुस्थलीकरण का कौन कौन से कारण है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी आपको पता है लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, या तो पूछ लेंगे कौन से कारण है और कौन से कारण नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं मरुस्थलीकरण के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला, मरुस्थल क्यों होगा, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती। और वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि अरब सागर वाली शाखा के अरावली पर्वतमाला समानांतर है, इसलिए राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती। जहां वर्षा नहीं होगी वहां पर क्या होगा बताओ, मरुस्थलीकरण होगा, मरुस्थल होगा, तो न्यूनतम वर्षा। ठीक है, पहला कारण क्या है कि मरुस्थल क्यों है? कहीं भी मरुस्थल है तो उसका, वैसे तो आपको बताया प्रत्येक जो महाद्वीप है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर ही, पश्चिमी तट पर या पश्चिमी भाग पर ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं, अधिकांश मरुस्थल पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर ठंडी जलधाराएं बहती है। आगे जाके ज्योग्राफी में आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मरुस्थल का कारण क्या है, तो पहला है न्यूनतम वर्षा, जिस भाग में, जिस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होगी वह मरुस्थल होगा, तो न्यूनतम वर्षा। दूसरा कारण क्या है, वृक्षोन्मूलन, या बोल सकते हैं वनोन्मूलन, वृक्षों की कटाई, वृक्षों का उन्मूलन, वृक्षों की कटाई, तो वृक्षों या पेड़ों की जो कटाई होगी, वृक्षों की कटाई होने से क्या होगा बताओ, वृक्षों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, और जब वृक्षों की कटाई हो जाएगी तो बताओ ये मिट्टी आपको तो बिखर जाएगी और एक स्थान से वायु के साथ दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो वृक्षों के उन्मूलन या वृक्षों की कटाई, इसके लिए ये भी प्रमुख कारण है किसका, मरुस्थलीकरण का।
नेक्स्ट, और मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण हो सकता है? तो मरुस्थलीकरण का जो नेक्स्ट कारण आपको एग्जाम में मिलता है अतिचारण। कौन सा? अति चराई बोल दो, अतिचारण बोल दो, या अनियंत्रित चराई। अतिचारण या अनियंत्रित चराई, अनियंत्रित चराई, ठीक है। जब हम आपको होता है अनियमित, देखो वैसे तो होता क्या है, क्षेत्र विशेष में आपको पशुओं के चराने के लिए एक क्षेत्र छोड़ दिया जाता है जिसे बीड़ा बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी क्षेत्र में, जब निश्चित क्षेत्र पशु चराई के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो पशु जब आपको तक खेतों में चरते हैं तो पशुओं के खुर से मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाती है और वो कणों में बिखर जाती है मिट्टी, और वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। सॉरी, तो अनियंत्रित चराई या अतिचारण भी मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। चौथा, मरुस्थलीकरण के लिए और कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो मरुस्थलीकरण के भूमि उपयोग का बदलता पैटर्न। हम अधिकांश मात्रा में उर्वरक का, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं और एक निश्चित समय के बाद भूमि उपजाऊ अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो भूमि उपयोग का बदलता पैटर्न, भूमि उपयोग का बदलता पैटर्न, बदलता पैटर्न यह भी मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है, भूमि उपयोग का बदलता पैटर्न। और अन्य कारक में पांचवा था मानवीय कारक। कौन से कारक बताओ? मानवीय कारक। मानव के द्वारा जितने भी मानव जनित कारक है वो भी मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार के लिए पांच इंपोर्टेंट कारकों पे अपन चर्चा कर रहे हैं। यहां से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मरुस्थलीकरण के लिए निम्न से कौन सा कारण जिम्मेदार है? न्यूनतम वर्षा, बिल्कुल करेक्ट है। वृक्षोन्मूलन, बिल्कुल करेक्ट है। अतिचारण या अनियंत्रित चराई, ये भी है। भूमि उपयोग का बदलता पैटर्न और मानवीय कारक, ये सभी मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक ऑप्शन दे देंगे, बालू का स्तूप का स्थिरीकरण, बालू का स्तूप का स्थिरीकरण, फिक्सेशन, स्थिरीकरण। अब क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो बालू का स्तूप स्थिर है। बालू का स्तूप का बालू मिट्टी के टीले, जब वो एक स्थान पर स्थिर है, जब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बताओ जब तक बालू का स्तूप, बालू मिट्टी के कण वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, तब तक रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ता, मरुस्थल आगे नहीं बढ़ता, मरुस्थल का प्रसार नहीं होता है। हमने बात की बालू का स्तूप का स्थिरीकरण, बालू का स्तूप एक स्थान पर स्थिर है, फिक्स है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं रहे, ट्रांसफर ही नहीं हो रहे, एक जगह पर फिक्स है। जब बालू का स्तूप एक जगह पर फिक्स है तो क्या मरुस्थल आगे बढ़ेगा? ये बालू का स्तूप एक जगह पर फिक्स है तो बालू का स्तूप आगे, मरुस्थल आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये बालू का स्तूप जब दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो मरुस्थल आगे बढ़ जाएगा। तो बालू का स्तूप का स्थिरीकरण ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, बालू का स्तूप का स्थानांतरण, ये बालू का अज्जा होगा वो मरुस्थल के लिए जिम्मेदार होगा। जब बालू का स्तूप स्थानांतरित होंगे तो ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो बालू का स्तूप का स्थानांतरण ये भी एक कारण है, बालू का स्तूप का स्थानांतरण ये भी मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार, स्थानांतरण जिम्मेदार है, स्थिरीकरण जिम्मेदार नहीं है, ये ध्यान रखें। अब देखिए, यदि यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार एग्जाम पूछा भी जाता है कि देखिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिम भाग में सर्वाधिक अपरदन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा या समुद्री तरंगों के द्वारा? तो राजस्थान के पश्चिम भाग में बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं और ये वायु के साथ या पवन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अपरदन का मुख्य कारक क्या है? वायु है। और पूरी भाग में जहां पर नदियां बहती है वहां अपरदन का मुख्य कारक जल है, ठीक है। तो वायु, राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ये राजस्थान के पश्चिम भाग में सर्वाधिक अपरदन के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है? वायु जनित कारक है। और पूरी भाग में पूछे तो जल है। हिमानी और समुद्री तरंगों द्वारा राजस्थान में आपको अपरदन देखने को नहीं मिलता है। तो हमने बात की कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीकरण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं अकाल के कारण, किसके कारण बताओ? अकाल के क्या कारण है? अकाल, अकाल या सूखा, अकाल या सूखा के कारण। तो आपको मैं बता दूं, अकाल और सूखा का कारण यदि आपसे पूछा जाए तो यह बताना आपको कि राजस्थान में अकाल या सूखे का कारण क्या है? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता। वर्षा एक तो नियमित तौर पे नहीं होती और कितनी होगी यह निश्चित नहीं है, तो अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता ये किसके लिए जिम्मेदार है? अकाल और सूखे के लिए जिम्मेदार है। और आपको बता दूं, राजस्थान में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा था, उसे बोलते हैं छप्पनिया अकाल। कौन सा अकाल बताओ? छप्पनिया अकाल। और छप्पनिया अकाल कब पड़ा?
तो आपसे पूछेंगे 1899 ईस्वी में, ध्यान रखें ईस्वी में पूछे तो 1899 ईस्वी में, लेकिन विक्रम संवत में पूछे तो 1956 विक्रम संवत में पढ़ा था, 1956 विक्रम संवत, क्योंकि ईस्वी को जब विक्रम संवत में चेंज करते हैं तो कितने जोड़ते हैं 57, जिसे 1899 में 57 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1956 विक्रम संवत हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ईस्वी में पूछे या विक्रम संवत, ऑप्शन क्या आते हैं उसमें विशेषकर आपका ध्यान होना चाहिए। छपनिया काल कब पढ़ा तो बताओ ईस्वी में पूछे तो 1899 ईस्वी में, और विक्रम संवत में पूछे तो 1956 विक्रम संवत में, और 1956 विक्रम संवत में पढ़ने के कारण इसे छपनिया काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छपनिया काल। अब देखिए राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, मरुस्थल के आपको पता है बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट तो है ही, मरुस्थलीकरण के लिए बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट तो है ही, हानिकारक प्रभाव ऑलमोस्ट मरुस्थलीकरण का नेगेटिव इंपैक्ट ही है, लेकिन मरुस्थलीकरण के कुछ फायदे भी हैं। तो आपसे कोई पूछ ले मरुस्थलीकरण के क्या फायदे हैं, राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है क्या उसके कोई फायदे हैं, तो देख लेते हैं मरुस्थलीकरण के क्या क्या फायदे हैं। तो राजस्थान के पश्चिम भाग में जो मरुस्थल है तो क्या मरुस्थल के भी फायदे हैं, तो उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं मरुस्थल के फायदे है या नहीं। यह राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के कोई फायदे है या नहीं। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थल है, इसका मतलब यहां पर वर्षा न के बराबर होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, यानी वर्षा कम होती है। और मैं आपको बता दूं 365 में से 365 दिन साल में 365 दिन है, उनमें से 365 में से 330 दिन तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है, मुश्किल से साल भर में 30 से 35 दिन यहां पर बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती है, 30 से 35 दिन वर्षा नहीं होती, बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती है 30 से 35 दिन, बाकी पूरे साल में 365 में से 330 दिन यहां पर आसमान क्या रहता है, साफ रहता है। जब यहां पर आसमान साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा तो आसमान साफ रहने का फायदा क्या होगा, सूर्य से आने वाली सोलर रेज, सूर्य से आने वाली सोलर रेज से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा को बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपको बता दें राजस्थान के किस भाग में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है, तो आंसर होगा पश्चिमी भाग में, राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना क्यों है, क्योंकि यहां पर वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो आसमान क्या रहता है, साफ, आसमान साफ रहेगा तो सूर्य से किरणें से जो सोलर एनर्जी आएगी, सोलर एज आएगी, और सोलर प्लेट से जब टकराएगी तो सोलर एनर्जी होगी, कौन सी उत्पन्न होगी, सोलर एनर्जी होगी, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की संभावना वही होती है जहां पर आसमान साफ रहता है, सूर्य की सोलर एज सीधी आती है, सोलर प्लेट से टकराती है। अब देखिए पूरी भाग देख लीजिए, पूरी भाग में यहां पर वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो बादल छाए रहेंगे, और जब बादल, जिस दिन बादल छाए रहते हैं उस दिन आपको पता है सोलर एज नहीं आती, तो सोलर प्लेट काम नहीं करती, ठीक है। लेकिन आपको पता पश्चिम भाग में तो वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती, 365 में से 300 दिन आसमान साफ रहता है, तो वहां कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा क्या होगी, संभावना होगी। तो राजस्थान के किस भाग में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है, पश्चिमी भाग में, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, किस प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। और आपको बता दें सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान कौन सा, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है, राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, तो राजस्थान का जोधपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, जोधपुर। और देख लीजिए जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में ही पड़ता है, मरुस्थल में ही पड़ता है, ठीक है। और यदि बात करें सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक क्षेत्र बनाया गया है, उसे बोलते हैं सीज, यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, सीज क्या है, सीज, तो सीज की फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए सीज की फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, ऐसा जोन जहां पर सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है उसे बोलते हैं सीज। और सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन में पहले तीन जिले आते थे, कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, लेकिन वर्तमान में बीकानेर को भी शामिल कर लिया है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये चार जिले किसमें आते हैं बताओ, सीज में आते हैं। पहले तीन ही आते थे, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, और अब कौन सा आ गया बताओ, बीकानेर। तो कितने जिले आते हैं, सीज में चार जिले आते हैं। सीज का संबंध किस ऊर्जा से है, तो सोलर एनर्जी से है, किससे है बताओ, सोलर एनर्जी से। इसी प्रकार एक वर्ड आता है सेज, कौन सा आता है, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सीज है और ये क्या है, सीज, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र,
और इसमें किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वर्तमान में राजस्थान में कितने सेज है, वर्तमान में राजस्थान में कितने सेज है। और इसी प्रकार एक वर्ड होता है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सेज की जगह क्या लगा दिया हमने बताओ, एस की जगह ई लगा दिया, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसे बोलते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसका संबंध है समुद्री सीमा से, किससे बताओ, समुद्री सीमा से। और आपको बता दें किसी भी देश की अधिकतम समुद्री सीमा होती है 200 नॉटिकल मील, कितनी होती है बताओ 200 नॉटिकल मील होती है, और उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैंने तीन वर्ड को डिस्क्राइब किया यहां पर, तीन वर्ड कौन कौन से, एक तो हमने देखा सीज, ठीक है, एक हमने क्या देखा सीज। इसमें से यदि देखें तो देखो ऊपर देखें सेज और ईजेड, देखिए कितना टर्म देख लीजिए मिलते जुलते वर्ड है। सेज में एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया तो सीज हो गया, और इसमें एस हटा दिया तो वापस, ठीक है, ये क्या हो गया बताओ ईजेड, क्या हो गया ईजेड। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तीनों में अंतर पता होना जरूरी है। तो हमने बात की राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, और मरुस्थल होने के कारण क्या है, वर्षा कम होती है। 365 में से 330 दिन आसमान क्या रहता है, साफ रहता है। आसमान साफ रहेगा तो कौन सी ऊर्जा की संभावना रहेगी, सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है। कौन से भाग में, पश्चिम भाग यानी मरुस्थल में। तो ये मरुस्थल का फायदा हुआ, यदि मरुस्थल नहीं होता तो बताओ क्या पश्चिम भाग में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावना होती, नहीं होती। तो ये मरुस्थलीकरण के कारण ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अब देखिए मरुस्थल है तो बताओ बड़ी कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। हमने देखा कि छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, जब छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाएगी तो बताओ पवन जो चलेगी, पवन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी, और पवन तेज गति से चलेगी। यदि बीच में इसमें यदि वनस्पति होती, बड़ी बड़ी वनस्पति होती, तो पवन चलती वनस्पति से टकराती, उसकी गति कम हो जाती। लेकिन इसमें वनस्पति नहीं है तो पवन बहुत तेज गति से चलती है, तो बताओ पवन ऊर्जा कौन सी, पवन की तेज गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पवन ऊर्जा। जैसलमेर में आप जाओगे बड़े बड़े विंड प्लांट आपको देखने के मिलेंगे, तो बताओ पवन ऊर्जा की संभावना। और आपको मैं बता दूं पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा किस भाग में है, पश्चिमी भाग में मरुस्थल में है, कि मरुस्थल में कोई बड़ी वनस्पति नहीं पाई जाती, और वनस्पति नहीं होकर वहां छोटी छोटी झाड़ियां हैं, तो पवन तेज गति से चलती है, और तेज गति से चलने के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपको बता दूं पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान राजस्थान का कौन सा जिला रखता है, तो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है जैसलमेर, कौन सा रखता है जैसलमेर। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में टिके पहला स्थान कौन सा रखता है, जैसलमेर रखता है, कौन सा रखता है जैसलमेर। सौर ऊर्जा में जोधपुर, और पवन ऊर्जा में जैसलमेर। जोधपुर भी पश्चिमी भाग में है, और जैसलमेर भी कौन से बताओ पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में यानी मरुस्थल में। तो मरुस्थल में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की भरपूर संभावना है, क्योंकि वहां पर मरुस्थल है, और मरुस्थल होने के कारण सौर ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा की दोनों की सबसे ज्यादा संभावना है। और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो आपको बताओगे ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा बताओ, गैर परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, या इसे बोल सकते हैं नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कौन सी संस्था काम करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं, और नवीनीकरण ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना पूछे तो मरुस्थलीय प्रदेश में यानी पश्चिमी राजस्थान में। तो ये मरुस्थल का फायदा हुआ, मरुस्थल नहीं होता तो बताओ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना आपको पश्चिम भाग में देखने को नहीं मिलती। दूसरा, और मरुस्थल का क्या फायदा है, तो देखिए मरुस्थल का जो दूसरा फायदा है, पहला फायदा तो हमने देख लिया, दूसरा फायदा देख लेते हैं मरुस्थल का। मरुस्थल का दूसरा फायदा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की भरपूर संभावना। यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग में मरुस्थल है, और यहां पर मरुस्थलीय प्रदेश, ये पहले टैती सागर का अवशेष था, और यहां पर जो चट्टाने मिलेगी वो अवसादी चट्टाने मिलती है। कौन सी चट्टाने मिलती है, अवसादी चट्टाने मिलती है, और अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। अवसादी चट्टाने ईंधन के लिए उपयोग होती है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो यहां पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
और कोयला, ईंधन की बात करें तो कोयला, इन सब की भरपूर संभावनाएं। कैसे देख लीजिए, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान में पहला स्थान रखता बाड़मेर, राजस्थान में पहला स्थान पेट्रोलियम में कौन रखता बाड़मेर, बाड़मेर देख लीजिए मरुस्थल में ही है, कहां बताओ मरुस्थल में। प्राकृतिक गैस में पहला स्थान पेट्रोलियम में तो कौन रखता बाड़मेर, और प्राकृतिक गैस में पहला स्थान रखता है जैसलमेर, प्राकृतिक गैस में कौन रखता है जैसलमेर, और जैसलमेर में देख लीजिए मरुस्थल में है, कहां बताओ मरुस्थल में। कोयला, कोयला के में पहला स्थान रखता है बीकानेर और दूसरा नागौर, तो बीकानेर और नागौर, लिग्नाइट कोयला होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा और वो भी कहां बताओ मरुस्थल में है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब की जो भरपूर संभावना है वो कहां है मरुस्थल में ही है, कहां बताओ मरुस्थल में ही है। तो बताओ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला की भरपूर संभावना कहां है, मरुस्थलीय प्रदेश में, ये इसका दूसरा फायदा हुआ। अब पेट्रोलियम से याद आया, राजस्थान की पहली और देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है, ठीक है, वो पचवदरा बाड़मेर में लगी है। तो इसमें यह बताएं कि इसमें एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट, एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना कितनी हिस्सेदारी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं आप भी अपने आप अपने नॉलेज को साथ साथ चेक करते रहिए, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा फायदा क्या है, दो फायदे तो हमने देख लिए, राजस्थान में मरुस्थल है, उसका तीसरा फायदा क्या है, यह मानसून को लाने में सहायक है। कौन सा मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लाने में सहायक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लाने में सहायक है, मानसून को लाने में सहायक है। देखिए अधिकांश लोगों को जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मरुस्थल के क्या फायदे हैं, तो अधिकांश लोग सोचेंगे मरुस्थल के भी कुछ फायदे होते हैं क्या, तो देख लीजिए ये मरुस्थल के फायदे हैं, ये राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल नहीं होता तो ये सारी संभावना पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून को लाने में सहायक है, कैसे वो भी देख लेते हैं। देखिए यदि हम बात करें भारत की, यदि भारत की अपन बात करें तो यहां पे हिंद महासागर है, कौन सा बताओ, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, यहां पे आपको अरब सागर और ये आपकी बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर। ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में यदि बात करें तो ये मरुस्थल है, यहां पे क्या पश्चिम भाग में मरुस्थल है, मरुस्थल है तो मिट्टी पाई जाएगी और मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो बताओ गर्मी ग्रीष्म ऋतु में और हिंद महासागर में जल पाया जाता, तो बताओ ये उत्तरी भारत है, बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी जल्दी गर्म होगी या जल जल्दी गर्म होगा, तो आंसर होगा मिट्टी जल्दी गर्म होगी। मिट्टी जल्दी गर्म होगी यानी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो हो गया, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है लो, तो यहां पर कैसा प्रेशर हो गया बताओ, लो प्रेशर हो गया, कैसा प्रेशर हो गया बताओ, लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि मिट्टी थी जल्दी गर्म होगी, जब टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रेशर क्या हो गया लो, तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में लो प्रेशर रहता है, यहां पर लो प्रेशर रहता है, जल देर से गर्म होता है, देर से गर्म हो यानी टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है हाई है, तो हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में हाई प्रेशर की स्थिति रहती है और यहां पर मरुस्थल होने के कारण यहां पर लो प्रेशर की स्थिति रहती है, और पवने हाई प्रेशर से कहां आती है बताओ, लो प्रेशर की आती है, और ये केरल के मालाबार तट से टकराता है दक्षिणी पश्चिम मानसून और दो भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब शाखा, और इस प्रकार लो हाई प्रेशर से पवने कहां चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, इसी मानसून को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून। यदि राजस्थान में या उत्तरी भारत में मरुस्थल नहीं होता तो शायद आपको तो लो प्रेशर की उतनी ज्यादा संभावनाएं क्रिएट नहीं होती, और जब ज्यादा लो प्रेशर की संभावना क्रिएट नहीं होती तो पवने हाई प्रेशर से बहुत तेज गति से लो प्रेशर की ओर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं यह दक्षिणी पश्चिम मानसून को हिंद महासागर से उत्तरी भारत में लाने के लिए भी जिम्मेदार है कौन, मरुस्थलीकरण। तो ये थे मरुस्थल के फायदे। अब अपन देखेंगे मरुस्थल के तीन फायदे अपन ने चर्चा की, गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा की दृष्टि से आपको तो भरपूर संभावना है मरुस्थलीकरण में, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयला की दृष्टि से भी, ईंधन की दृष्टि से भी, और तीसरा देखा मानसून को लाने में भी मरुस्थलीकरण का योगदान है। अब अपन देखेंगे कि मरुस्थल को रोकने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए कि राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी है और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, और यहीं से आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, तो बने रहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संस्था है उसको अपन देख लेते हैं कि मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्था है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो विशेषकर अब आप इस पर फोकस कीजिए कि यहां से एक नए क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है उसका नाम है यूएनसीसीडी,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएनसीसीडी। अब इसकी फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा वो पहले देख लीजिए। यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। लास्ट वाले सीडी का याद रखना, कॉम्बैक्ट यानी रोकथाम, किसकी, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, कॉम्बैक्ट यानी रोकथाम, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, तो यूएन की संस्था है जो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए कार्य करती है। क्योंकि मरुस्थल केवल भारत में नहीं है, केवल एशिया में नहीं है, विश्व के आपको होता है यूरोप को छोड़कर सभी महाद्वीपों में मरुस्थल देखने को मिलता है। जैसे सोनोरन और मोजे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, अटाकामा या आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है, सारा का मरुस्थल, नूबीब का मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल या आपको कलारी का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है, टकला मकान, दस्ते लूत, दस्ते कावीर, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल ये एशिया में देखने को मिलता है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, तो अधिकांश विश्व के अधिकांश भागों में मरुस्थल है। जब विश्व के अधिकांश भागों में है यानी तो अलग अलग देशों में है, अलग अलग महाद्वीपों में है, तो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था बनाई गई है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है मरुस्थलीकरण, ठीक है, और मरुस्थल का धीरे धीरे प्रसार होता रहता है, ठीक है, तो मरुस्थल को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो संस्था बनाई गई है उसका नाम क्या है, यूएनसीसीडी। ये यूएनओ का अंग है, किसका अंग है बताओ, यूएनओ का अंग है। और इसका गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूएनसीसीडी का गठन कब हुआ, 17 जून 1994 को। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया, इसने कार्य प्रारंभ कब किया, तो इसने कार्य प्रारंभ किया था 22 दिसंबर 1996। इंपॉर्टेंट डेट यह याद रखनी है कि मरुस्थलीकरण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था यूएनसीसीडी, इसका गठन कब हुआ, तो 17 जून 1994 को। इसलिए याद रखें दोस्तों 17 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो 17 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को ही क्यों मनाया जाता है, 17 जून को ही क्यों मनाया जाता है, 17 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 17 जून 1994 को यूएनसीसीडी का गठन हुआ था, इसलिए 17 जून को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूएनसीसीडी के सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश हैं 197, इसके सदस्य देश कितने हैं 197, ये याद रखें। यूएनओ के भी 193 हैं और इसके कितने बताओ 197, तो इसके सदस्य देश कितने हैं 197, इसके देश सदस्य देश है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था कौन सी है, यूएनसीसीडी, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसका गठन कब हुआ, 17 जून 1994 को, इसलिए 17 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कार्य प्रारंभ कब से किया गया, 22 दिसंबर 1994 को, और इसके सदस्य देश कितने हैं 197, ये जानकारी आपको पता होना जरूरी है। इसी यूएनसीसीडी के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उसे बोलते हैं कॉप, यूएनसीसीडी के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उसे बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉप 14 का आयोजन, कॉप 14 का आयोजन 2019 में हुआ था, 2019 में कॉप 14 का जो आयोजन हुआ था ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, कहां हुआ था बताओ, ग्रेटर नोएडा यूपी, ग्रेटर नोएडा यूपी यानी भारत में हुआ था। और तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये पहला कॉप था, 14 कॉप हो चुके यूएनसीसीडी के, ये पहला कॉप था जिसका आयोजन भारत में हुआ, ठीक है। तो कौन से कॉप का आयोजन भारत में हुआ, तो कॉप 14 का हुआ, कहां हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है। और कब हुआ, तो 2019 में हुआ, ठीक है। कॉप की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये ध्यान रखें, कॉप की फुल फॉर्म पूछे तो आपको क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप की क्या बताओ फुल फॉर्म है।
अब देखिए कॉप की फुल फॉर्म हो गया आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कॉप ये भी है, यूएनएफसीसी का नाम सुना होगा, यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था है, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1994 में, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, बताओ यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई, 21 मार्च 1994 को हुई थी, और ये रियो सम्मेलन के तहत या प्रति सम्मेलन के तहत इसका गठन हुआ था, और ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था है, और जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था, और इसके द्वारा भी कॉप का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा अब तक कॉप 25 आयोजित किए जा चुके हैं, कितने कॉप, कॉप 25 आयोजित किए जा चुके हैं, और कॉप 25 का आयोजन हुआ था सेंटियागो, कहां हुआ था बताओ, सेंटियागो, और सेंटियागो किसकी राजधानी है, चिली देश की राजधानी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी ये अलग है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए, और यूएनसीसीडी ये मरुस्थलीकरण के लिए, सीडी कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन और सीसी क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज वाली की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1994 को, और रियो सम्मेलन के तहत हुई थी, और कॉप 20 इसके द्वारा प्रतिवर्ष कॉप का आयोजन होता है, और कॉप 25 का आयोजन हो चुका है, कहां बताओ, सेंटियागो चिली में, कहां बताओ, सेंटियागो चिली में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका वो सुन लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है, एक क्वेश्चन तो यह बन सकता आपसे, ऑप्शन तो आएगा क्या आपका, ऑप्शन फर्स्ट आ गया आपका आईपीसीसी, ऑप्शन बी आएगा यूएनएफसीसीसी, तीसरा आ गया ऑप्शन सी यूएनईपी, यूएनईपी, और चौथा ऑप्शन आ गया आपका यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए कौन सी संस्था है, और एक क्वेश्चन यह बन सकता है यूएनसीसीडी के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, स्थापना गठन कब हुआ, कार्य प्रारंभ कब से, या इसका आपसे पूछा जा सकता है सदस्य देश कितने हैं, या इसका कौन सा कोप भारत में आयोजित हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये यूएनसीसीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनका अपन एनालिसिस किया। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था देख ली मरुस्थलीकरण के लिए रोकथाम के लिए, अब हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था है, तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था, उसका नाम है काजरी, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है उसका नाम क्या बताओ, काजरी, और विशेषकर इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो काजरी की फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए काजरी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में क्या बोलेंगे, सेंट्रल का मतलब हो गया आपका केंद्रीय, एरिड का मतलब क्या हो गया शुष्क, जोन का मतलब क्या हो गया क्षेत्र, रिसर्च यानी अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हो गया संस्थान, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हो गया बताओ संस्थान। तो इसे और क्या बोल सकते हैं बताओ, तो इसका फुल फॉर्म होगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये काजरी की फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा काजरी की स्थापना कब हुई, तो काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में, और काजरी का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है, तो काजरी का मुख्यालय कहां है बताओ जोधपुर में है, काजरी का मुख्यालय कहां है जोधपुर में, तो काजरी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताओ काजरी की स्थापना कब हुई 1959 में, और मुख्यालय कहां बताओ जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये काजरी है ये केंद्र सरकार की संस्था या आपको बताया राज्य सरकार की है, तो काजरी केंद्र सरकार की संस्था है, किसकी बताओ केंद्र सरकार की संस्था है, ये किसकी संस्था बताओ केंद्र सरकार की संस्था है, ये ध्यान रखें काजरी किसकी संस्था है केंद्र सरकार की, ये आपको केंद्र सरकार है ना भारत सरकार की, और भारत सरकार ने अमेरिका और यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की थी, अमेरिका और यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की थी, और इसका आपको तो स्थापना कब हुई थी 1959 में। तो काजरी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो आंसर होगा अमेरिका के सहयोग से, किस देश के सहयोग से हुई थी अमेरिका के सहयोग से, और किस संस्था के, यूनेस्को, यूनिसेफ भी आ सकता है, तो आंसर होगा यूनेस्को के सहयोग से।
तो अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से कादिरी संस्था की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और कब हुई थी बताओ, 1959 में, और इसका मुख्यालय कहां बताओ, जोधपुर में। किस सरकार की, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की संस्था है। अब देखिए कादिरी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार के कादिरी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार के भी किस मंत्रालय के तहत आती है, या केंद्र सरकार की कौन से संस्था संचालित करती है कादिरी को, तो यह आईसीएआर के द्वारा संचालित है। आईसीएआर के द्वारा संचालित है। आईसीएआर क्या है, तो आईसीएआर की फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी इंडियन का मतलब हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा यह संचालित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या है, संचालित है, ये ध्यान रखें। आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। जैसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, वो भी आईसीएआर के द्वारा संचालित है। इसी प्रकार केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक, वो भी आईसीएआर के द्वारा संचालित है। इसी प्रकार काजरी भी किसके द्वारा संचालित है, आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है, जिसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है काजरी किस मंत्रालय के तहत आती है, तो कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत आती है। काजरी किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करती है। काजरी किसके तहत कार्य करती है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अब देखिए काजरी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, काजरी के आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं काजरी के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, तो काजरी के दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, यह भी ध्यान रखें, काजरी के दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, काजरी के दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, यह भी ध्यान रखें, क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। मुख्य मुख्यालय तो कहां हो गया, जोधपुर में। मुख्य मुख्यालय तो कहां हो गया, जोधपुर में। मेन हेडक्वार्टर तो जोधपुर में, लेकिन रीजनल हेडक्वार्टर क्षेत्रीय मुख्यालय कहां है, तो एक तो है लेह लद्दाख में, कहां बताओ, लेह लद्दाख में एक तो इसका रीजनल हेडक्वार्टर है, और दूसरा इसका है भुज, और भुज कहां पड़ता है, गुजरात में। भुज कहां पड़ता है, गुजरात में। तो देखो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है, तो एक तो लेह लद्दाख में और एक भुज गुजरात में, दो इसके क्षेत्रीय मुख्यालय है। ये तो क्षेत्रीय मुख्यालय हो गए, लेकिन राजस्थान में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय है, राजस्थान में तीन क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है, रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है। तो राजस्थान में इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तीन है। पहला कहां है, पाली में, दूसरा कहां है, जैसलमेर में, तो तीसरा कहां है, बीकानेर में। तीसरा कहां बताओ, बीकानेर में। तो ये ध्यान रखें राजस्थान में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय है, तीन क्षेत्रीय कार्यालय कहां है, पाली में है, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं, तो क्षेत्रीय मुख्यालय दो है, और क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने बताओ, तीन है। तो ये हमने देखा क्षेत्रीय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये ध्यान रखें कि क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं और क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। अब आपको बता दें काजरी के द्वारा बिना सींग वाली बकरी की नस्ल विकसित की गई है, बिना सींग वाली बकरी की नस्ल विकसित की गई है, शेखावटी नस्ल, कौन से बताओ, शेखावटी नस्ल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजरी के द्वारा बकरी की कौन सी नस्ल विकसित की गई है, तो आंसर होगा काजरी के द्वारा बकरी की शेखावटी नस्ल विकसित की गई है। कौन सी नस्ल विकसित की गई है बताओ, शेखावटी नस्ल विकसित की गई है, जो कैसी है बताओ, बिना सींग वाली है। कैसी बताओ, बिना सींग वाली है। तो बताओ बिना सींग वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, शेखावटी, और ये किसके द्वारा विकसित की गई है, काजरी के द्वारा। काजरी के द्वारा जोजोबा या होबा, जोजोबा या होबा, आपने नाम सुना होगा जोजोबा या होबा, ठीक है, ये एक तिलनी पादप है, इजराइल से आया किया गया तिलनी पादप है। तो जोजोबा या होबा, जिसे पीला सोना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीला सोना, और इसका ये तिलनी पादप है जो इजराइल से आयातित है। तो जोजोबा और होबा है, इसका विकास करने के लिए काजरी के द्वारा, किसके द्वारा, काजरी के द्वारा एक संस्था संचालित की जाती है, एजॉर्प। कौन सी संस्था संचालित की जाती है बताओ, एजॉर्प। ये ध्यान रखें एजॉर्प संस्था किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो आंसर होगा जो एजॉर्प संस्था है वो काजरी के द्वारा संचालित की जाती है।
एजॉर्ब संस्था किसके द्वारा? काजरी के द्वारा। और एजॉर्ब क्या है तो वो भी देख लेते हैं। एजॉर्ब क्या है तो एजॉर्ब की फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन, यानी एक ऐसा एसोसिएशन है जो जोजोबा जोजोबा के रिसर्च जोजोबा के क्षेत्र में रिसर्च करता है और प्लांटेशन यानी उसका वृक्षारोपण जोजोबा के वृक्षारोपण का कार्य भी करता है। तो जोजोबा के पश्चिमी राजस्थान में वृक्षारोपण की जिम्मेदारी है वो किस संस्था के द्वारा संचालित की जाती है? संस्था का नाम है एजॉर्ब और ये किसके द्वारा संचालित है? काजरी के द्वारा संचालित है। तो काजरी के द्वारा एजॉर्ब संस्था का संचालन किया जाता है और बिना सिंह वाली नस्ल सेकाउडी नस्ल का भी विकास किया गया है। तो ये संपूर्ण अध्ययन था किसके बारे में? काजरी के बारे में। और नेक्स्ट एक संस्था पढ़ी होगी आपने आफरी, कौन सी बताओ? आफरी, AFRI। इसके भी क्वेश्चन बहुत बार एक बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। फुल फॉर्म क्या था बताओ? एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसे बोलेंगे शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखे, काजरी अलग है और आफरी अलग है। ये है आफरी आपका, वो काजरी था और ये क्या है? आफरी। ठीक है, शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1985। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका हेडक्वार्टर इसका भी जोधपुर में है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? जोधपुर में है। और ये आपसे पूछा जाता है ये भी किसके? केंद्र सरकार की संस्था है। ये भी किस सरकार की संस्था है? केंद्र सरकार की संस्था है। और केंद्र सरकार में किसके द्वारा संचालित है? ICFR इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च के द्वारा संचालित है। और किस मंत्रालय के तहत आती है? तो वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के तहत। ये संस्था वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के तहत आती है, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के तहत आती है। तो ये आफरी के बारे में था। तो काजरी पढ़ी और हमने क्या पढ़ी बताओ? आफरी। दोनों का मुख्यालय कहां बताओ? जोधपुर में है। अब देखिए यहां से एक मिलती जुलती संस्था एक और है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क, ये भी केंद्रीय है केंद्र सरकार की, लेकिन ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, बागवानी से रिलेटेड है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है और इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, इसका मुख्यालय कहां और इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो हमने काजरी पढ़ ली, आफरी पढ़ ली, ठीक है, और एक यूएन से श्री पढ़ ले। एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूं आपका, देखिए जल्दी से। तो हमने देखा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था कौन सी है? तो आंसर होगा यूएनसीसीडी। अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था कौन सी है? यूएनसीसीडी। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। स्थापना गठन कब हुआ? तो 17 जून 1994 को, इसलिए 17 जून को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें सदस्य देश कितने थे? 197, ठीक है। तो ये यूएनसीसीडी, और इसके द्वारा कॉप का आयोजन किया जाता है, और कॉप 14 2019 में ग्रेटर नोएडा, जो भारत में पहला कॉप आयोजित किया गया था, और भारत में आयोजित होने वाला ये पहला कॉप था, अदरवाइज ऑल ओवर ये 14 नंबर का कॉप था। उसके बाद हमने देखा काजरी, तो काजरी की फुलवाम पूछ जाती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर दूसरा आपसे काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। मुख्यालय कहां बताओ? जोधपुर में। फिर आपसे पूछा जाता है ये जो काजरी है ये किस देश के सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। और किस संस्था? यूनेस्को के सहयोग से स्थापित की गई थी। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ काजरी किसके द्वारा संचालित है, तो केंद्र सरकार के कौन से संस्थान? ICR के द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। किस मंत्रालय में आती है? तो ये कृषि मंत्रालय में आती है। नेक्स्ट हमने देखा काजरी के दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं लेह और भुज में, लेकिन राजस्थान में रीजनल ऑफिस कहां है? तो 3 जिलों में, पाली, जैसलमेर और बीकानेर में। नेक्स्ट हमने देखा कि काजरी के द्वारा बिना सिंह वाली नस्ल विकसित की गई कौन सी? सेकाउटी नस्ल है। और काजरी के द्वारा जोजोबा के विकास के लिए एजॉर्ब संस्था का संचालन किया जाता है। जब इतनी सारी जानकारी काजरी के बारे में होगी तब जाके आपके काजरी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। केवल इससे काम नहीं चलेगा, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है, काजरी की स्थापना 1959 में, आजकल इससे काम नहीं चलता है, तो ये ध्यान रखें विशेषकर। नेक्स्ट हमने पढ़ा आफरी, तो आफरी की फुल फॉर्म क्या है? एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है, आफ्री की स्थापना 1985 में इसका मुख्यालय भी कहां है, जोधपुर में है, और ये केंद्र सरकार की संस्था है, आईसीएफआर के द्वारा संचालित है और ये किस मंत्रालय के तहत आती है, तो वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के तहत आती है। हमने काजरी, आफ्री और यूएनसीसीडी के बारे में देखा। अब देखिए, ये मेरा होमवर्क के रूप में क्वेश्चन था कि केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहां है और इसकी स्थापना कहां हुई और कब हुई। अब देखिए, ये तो संस्थाएं थी। अब मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए तीन कार्यक्रम चलाए गए, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, अब आगे अध्ययन करेंगे कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संस्थाएं पढ़ ली, अब पढ़ेंगे कार्यक्रम। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है डीपीएपी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डीपीएपी कार्यक्रम फुल फॉर्म क्या है, तो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। देखिए फुल फॉर्म में डीपीएपी की एक तो फुल फॉर्म पूछ जा सकती है, तो फुल फॉर्म है ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, यानी ऐसा क्षेत्र जहां सूखा पड़ने की संभावना है तो वहां पे कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, डीपीएपी कार्यक्रम। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर सूखा पड़ने की संभावना है वहां पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, डीपीएपी कार्यक्रम चलाया गया। तो डीपीएपी कार्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट कब चलाया गया, तो 1973 और 74 में चलाया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेंगे कि डीपीएपी कार्यक्रम सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1973-74 में चलाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है, 5 ईयर्स प्लान, लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये कितने जिलों में चलाया गया, तो प्रारंभ में 8 जिलों में चलाया गया था। प्रारंभ में कितने जिलों में चलाया गया था, 8 जिलों में चलाया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने बताओ, 11 जिलों में चल रहा है। वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है, 11 जिलों में चल रहा है। प्रारंभ में 8 जिलों में चलाया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है, तो आंसर होगा 11 जिलों में चल रहा है। और ये केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रहा है, यानी केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से चल रहा है। यह भी ध्यान रखें, केंद्र राज्य की भागीदारी से चल रहा है। और कितने कितनी भागीदारी है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र का कितना अनुपात है और राज्य का कितना अनुपात है, तो ये 50-50 केंद्र और राज्य के 50-50 रेशो से चल रहा है। यानी इसमें केंद्र सरकार 50% योगदान देती है और राज्य सरकार भी कितना योगदान देती है बताओ, 50% योगदान देती है। तो केंद्र और राज्यों का इसमें योगदान कितना है, 50-50% योगदान है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। और यह कब चलाया गया था बताओ, 1973-74 में चलाया गया। कब चलाया गया, 1973-74 में चलाया गया। तो यह सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, किस कार्यक्रम के बारे में, डीपीएपी कार्यक्रम के बारे में। तो वापस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला डीपीएपी की फॉर्म क्या है, तो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, यानी सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। जहां सूखे पड़ने की संभावना है वहां पर यह कार्यक्रम चलाया जाता है, और सबसे ज्यादा सूखा पड़ने की संभावना पश्चिम मरुस्थलीय जिलों में होती है, पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में। तो आपसे पूछेंगे इसमें कितने जिले हैं वर्तमान में, वर्तमान में इसमें 11 जिले हैं। कितने जिलों में चल रहा है यह कार्यक्रम वर्तमान में, 11 जिलों में। कब चलाया गया, 1973-74 में चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और यह इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य का भागीदारी कितनी है, यदि 100 रुपए खर्च होते तो 50 रुपए केंद्र सरकार देती है और 85 राज्य सरकार देती है। तो ये रेशो विशेषकर आप ध्यान रखें। तो ये कार्यक्रम आपका कौन सा, डीपीएपी कार्यक्रम। अब दूसरा कार्यक्रम अपन देख लेते हैं, डीडीपी कार्यक्रम। कौन सा बताओ, डीडीपी कार्यक्रम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, कौन सा बताओ, डीडीपी। तो डीडीपी फुल फॉर्म क्या है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए डेजर्ट यानी मरुस्थल का डेवलपमेंट यानी विकास करने वाला प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, यानी मरुस्थल का विकास करने वाले कार्यक्रम, इसे बोलते हैं मरु विकास कार्यक्रम। मरु यानी मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, पहला ही क्वेश्चन, तो 1977-78 में चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए कब चलाया गया, 1977-78 में चलाया गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ये जो कार्यक्रम है 77-78 में, यानी कौन से पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया।
कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब आप समझिए कितने जिलों में चलाया गया, तो ये 16 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है? 16 जिलों में संचालित है। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में बताओ? 16 जिलों में संचालित है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आपको बताया वेटरनरी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था और अन्य एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि बताओ ये पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है या पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा संचालित है या केंद्र और राज्य के द्वारा किस अनुपात में संचालित है, 50-50, 60-40, 75-25। तो आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है इसमें 75% राज्य सरकार का योगदान, सॉरी केंद्र सरकार का योगदान है और 25% राज्य सरकार का योगदान है। ये 75-25 के अनुपात में चलाया जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 रुपए खर्च होते थे, 75 आपको तो है केंद्र सरकार देती है और 25 स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये भी ध्यान रखें। कौन सा कार्यक्रम पढ़ा आपने? डीडीपी कार्यक्रम। क्वेश्चन क्या बनेंगे एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूं, फुल फॉर्म याद रखना, डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। कब चलाया गया? 1977-78 में। कौन से पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। कितने जिलों में संचालित है? 16 जिलों में संचालित है। और कांदे राज्य का रेशो किसमें है? इसमें 75-25 है। कितना है? 75-25। ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है, इन दोनों को आपके 1992-93 में एकीकृत जल विकास कार्यक्रम IWDP में शामिल कर लिया गया था। 1992-93 में एकीकृत जल विकास कार्यक्रम में इनको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, एक और इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आता है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। यह भी आपका इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। एकीकृत व्यर्थ भूमि बोल दीजिए या बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और यह कब चला गया? 1992-93 में। तो यह ध्यान रखें, एकीकृत व्यर्थ विकास कार्यक्रम, वापस लिख देते हैं एक बार, मैं आपका नाम लिख देता हूं, एकीकृत व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि बोल दीजिए या बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। जो व्यर्थ भूमि है उसके विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। यह 100% राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। ध्यान रखना यह राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है। 100% इसका खर्चा कौन उठाती है? राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है। और कब चलाया गया? 1992-93 में चलाया गया। कब चलाया गया बताओ? 1992-93 में चलाया गया। और कितने जिलों में संचालित है? यह राजस्थान के 18 जिलों में संचालित है। राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? 18 जिलों में संचालित है। तो ये तो थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछाते हैं कि मरुस्थलीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं कौन सी है? UNCCD, काजरी, आफरी, और साथ ही साथ कौन कौन से कार्यक्रम, DPAP कार्यक्रम, DDP कार्यक्रम और एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, इन सब के बारे में देखा। जाते जाते मैं होमवर्क में आपको दो क्वेश्चन देके चला जाता हूं, जाते जाते आपको होमवर्क में दो क्वेश्चन देके जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है कि रेगिस्तान का मार्च तो आप जानते ही हो, रेगिस्तान जब आगे बढ़ता है तो रेगिस्तान यानी बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं, रेगिस्तान जब आगे बढ़ता है तो उसे बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो यह तो होता है जैसलमेर में, लेकिन जैसलमेर में भी कहां होता है यह इंपॉर्टेंट बताना है कि रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक कहां होता है। तो यह आपको बताना है कि सर्वाधिक रेगिस्तान का मार्च जैसलमेर में भी कौन से स्थान पर होता है, सम में होता है, नाचना में होता है या कहां होता है, पोकरण में होता है, यह बताना है। दूसरा आपको बताना है पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, सर्वाधिक शुष्क नहीं, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो रेगिस्तान का मार्च जैसलमेर में भी कहां बताओ, और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान तो माउंट आबू है, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक इसे निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।